आज का टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और आज इसमें हम लोग देखेंगे इंटेग्रीन। इंटेग्रीन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका यूज ना सिर्फ सेल सेल कम्युनिकेशन में होता है बल्कि इम्ब्रियोलॉजी में भी विशेष रूप से लोग इंटेग्रीन रिलेटेड रिस्पॉन्स को करते हैं। तो आज का हेडिंग हमारा हो गया इंटेग्रीन्स। इंटेग्रीन्स एक पूरा परिवार है रिसेप्टर प्रोटीन्स का, ठीक है। इनका जो फैमिली है उस फैमिली को कहा जाता है रिसेप्टर प्रोटीन इंटेग्रीन्स। मतलब ये बड़ा समूह है प्रोटीन्स का, ठीक है। इनका अगर एक वर्ड में मतलब एक लाइन में इनका रोल अगर पूछा जाए, क्या रोल है ये, नाम से ही पता चलता है इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करते हैं? द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड इंट्रासेलुलर प्रोटीन स्कैफोल्ड्स। प्रोटीन स्कैफोल्ड्स मतलब सेल के अंदर में जो मटेरियल है प्रोटीन से उसको बाहर के साथ कम्युनिकेट करना, ये इसका काम है इंटीग्रिन्स का। अगर इंटीग्रिन्स का हम स्ट्रक्चर देखें, आइए देखते हैं, आप लोग भी अपना कलम चलाएं। देखिए ये मेम्ब्रेन हो गया और इस मेम्ब्रेन में हम इंटीग्रिन्स बना रहे हैं, ठीक है, बनाया आराम से डायग्राम। ऐसे और ऐसे, ठीक है, और एक डायग्राम्स अच्छे से बनाने से टॉपिक भी दिमाग में रहता है, ठीक है। ये देख रहे हैं बीच में जो ब्लू कलर का पट्टी है, तो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो दिख रहा है ये दोनों बीटा सब यूनिट्स हैं इंटीग्रिन के, दो टाइप के। इसके अलावा अल्फा सब यूनिट्स भी होता है, जैसे हम बोल रहे हैं अल्फा सब यूनिट, ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया बीटा सब यूनिट, ठीक है, और ये बाहर का मटेरियल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है साइटोसोल, ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं यहां पर ये एक्चुअली फाइब्रोनेक्टिन है। फाइब्रोनेक्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मैट्रिक्स में उपलब्ध रहता है अच्छी मात्रा में, साथ ही साथ क्या है कि ये इंटरैक्ट भी करता है इंटीग्रीन के साथ। मतलब अद्भुत दुनिया है सेल का, जो केमिस्ट्री है वो पढ़ना वो जानना अपने में बहुत ही अद्वितीय है। अब देखिए यहां पर जो इंटरेक्शन हो रहा है इस जोन में, ये स्पेसिफिक जोन है, ये जो है ये इंटीग्रिन बाइंडिंग डोमेन है, नाम भी लिख ही देते हैं क्योंकि आप आराम से समझेंगे। ये जो है ना इसका, ये इसका इंटीग्रिन बाइंडिंग डोमेन है, बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, ये इंटीग्रिन बाइंडिंग डोमेन ऊपर नीचे है। अब देखो इससे यहां जुड़ा हुआ है, अब ये जो बीटा सब यूनिट है, इस बीटा सब यूनिट का भी ये अपना खास जोन है,
ये जो है ना, ये इससे कम्युनिकेट करने के लिए इसके पास ये सेटिंग, ये तो बाहर का हिस्सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है। अब देखो, सेल के अंदर ही बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के साथ इनका कैसा संबंध रहता है? देखिए देखिए, ये प्रोटीन है, ठीक है, ब्राउन कलर का ये प्रोटीन आपको दिख रहा है, मरून कलर का रहता है, ब्राउन ही है, यहाँ इससे लटका हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ देखें, यहाँ कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके साथ इनका कम्युनिकेशन विकसित है, ठीक है, करेक्ट। और सेल के अंदर में रोड किस चीज का बना होता है? सेल के अंदर में माइक्रोट्यूबुल का रोड बना रहता है, ठीक है ना। इसी रोड पर सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है ना। उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, इसका भी कॉम्बिनेशन उसी तरह के माइक्रोट्यूबुल्स के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब सेल के बाहर की सूचनाओं को अंदर तक पहुंचाना, इसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। ये सब मेम्ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है। अब जैसे ये है जो सांप की तरह लटका हुआ है, इसका नाम है टैलिन, ठीक है। अब यहां पर एक गोल के साथ अलग प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है विनकुलिन। ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स, ये अल्फा एक्टिनिन है, ये सभी सेल के अंदर पाए जाने प्रोटीन है। अब आप गौर करें किस प्रकार से सेल के बाहर से बाहर की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को किस प्रकार से ये सेल के अंदर में लाता है, जस्ट सी इट, ठीक है, किस तरह से सूचनाओं को अंदर लाता है। अभी इसमें कुछ भी अगर कोई भी सूचना अगर इसके अंदर में है, वह इसके माध्यम से प्रवाह होकर सेल तक जा रहा है, उसी तरह सेल की जो कोई सूचना है वो भी इसके माध्यम से प्रवाह होकर बाहर जा रहा है। इसका मतलब है क्या, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। जहां अल्फा सबनेट है, ये अल्फा सबनेट भी खास तरह के प्रोटीन के साथ ऐसे करते हुए जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम को बना रहे हैं। और ये जो जगह है ना, ये जगह जहां पर वैसे डॉट 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 दिखा रहे हैं, गुफा टाइप का ही, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। तो अगर आप देखें तो इंटीग्रीन का कितना संबंध है, कितने तरह तरह के संबंध इसने बना रखे, ठीक है। तो इंटीग्रीन में, इंटीग्रीन जो है इसका तीन पार्ट्स होता है, थ्री डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रीन। इंटीग्रीन्स के आप तीन डोमेन देखेंगे, सबसे पहला डोमेन होता है वो बाहर का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। उसके बाद सेकेंड जो है वो मेम्ब्रेन का हिस्सा का है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है वो अंदर की ओर होता है और वो होता है साइटोसोलिक डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो होता है वो रिसेप्टर का काम करता है, और साइटोसोलिक जो है वो इफेक्टर का काम करता है, जो उस इफेक्ट को क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, बाहर का हिस्सा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक डोमेन। ये जो हिस्सा है ये इसका अंदर का हिस्सा, बीच का मेम्ब्रेन का हिस्सा है, ट्रांस मेम्ब्रेन। और ये जो हिस्सा है ये इसका साइटोसोलिक हिस्सा है। अब जैसे यहीं पर है, अब देखो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। देखो यहां वैसे ये अलग से आपको समझने के लिए बना है। देखिए ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ठीक है, ये सी टर्मिनल है और ये
एन टर्मिनल। ये सब चीजें ध्यान रखना है कि एन टर्मिनल किधर है, ये एन टर्मिनल ऊपर की ओर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बीटा सबयूनिट होता है उसके दो सबयूनिट्स होते हैं ना, टू सबयूनिट्स, सबयूनिट्स ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिन, मेम्ब्रेन इंटीग्रिन्स। दो सबयूनिट कौन कौन से हैं? एक है अल्फा सबयूनिट, दूसरा है बीटा सबयूनिट। इन दोनों में खास बात क्या है कि एनटीडी एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रहता है और सीटीडी साइटोसोलिक होता है। एनटीडी का क्या मतलब होता है? एन टर्मिनल डोमेन, इसे हम लोग एनटीडी कहते हैं, ठीक है, बुक्स में यही टर्म मिलेगा। और सीटीडी मतलब सी टर्मिनल डोमेन, इसे हम लोग सीटीडी कहते हैं। जैसे कोई भी प्रोटीन अगर हो, मान लो कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, हम छोटे टुकड़ा बनाते हैं ऐसे करके अलग से बनाते हैं, ठीक है, हाथ से। मान लो कोई प्रोटीन है, ऐसे ऐसे हमने डोमेन बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे डोमेन बना दिया, इसको जोड़ दिया। डोमेन मतलब होते हैं अलग अलग इलाके, ठीक है, ये सी हो गया, ये एन टर्मिनल। अब इसका आधा कहाँ से होगा? मान लो आधा ये, ठीक है, इसका भी आधा कर दो आधा, इसका भी आधा कर दो आधा। ये जो एरिया हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल डोमेन, एनटीडी। ये जो हिस्सा हो गया उसको बोले हम लोग सी टर्मिनल डोमेन, मतलब ये जो डोमेन है वो सी टर्मिनल में, ये जो है वो एन टर्मिनल है, ये भी एन टर्मिनल, ठीक है। और बीच वाला जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल डोमेन। इस तरह से अगर आपको कोई सवाल पूछे कि ये बताइए कि फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है, ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन से बाइंड करने वाला डोमेन बीटा सबयूनिट में किधर है? ये एन के बगल में, तो हम बोलेंगे ये एनटीडी में, एन टर्मिनल डोमेन में, ठीक है। ये टैलिन से बाइंड करने वाला जो फाइब्रो ये इंटीग्रिन का जो हिस्सा है वो किधर है? चूंकि ये सी तरफ है इसलिए बोलेंगे ये सी टर्मिनल डोमेन में। ये इस प्रकार से चीजों को समझा जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से चीजों को समझा और पूछा जाता है, ठीक है। अब है कि जो इंटीग्रीन और फाइब्रोनेक्टिन के बीच में एक रिलेशनशिप बाइंडिंग साइट, द एन टर्मिनल डोमेन एनटीडी ऑफ बीटा सब यूनिट ऑफ इंटीग्रीन, इंटीग्रीन binds to, किससे बाइंड करता है? binds to स्पेसिफिक डोमेन ऑफ, किसके स्पेसिफिक डोमेन से? स्पेसिफिक डोमेन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन। तो ये देखो कि फाइब्रोनेक्टिन ही स्पेसिफिक डोमेन है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसके साथ बाइंड किए हुए हैं ठीक है। तो ये जो हो गया फाइब्रोनेक्टिन डोमेन हो गया, और ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग क्या कह रहे हैं? इस हिस्सा को हम लोग कह रहे हैं फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, ये एनटीडी है। इसको भी हम लोग अगर फाइब्रोनेक्टिन डोमेन है, ठीक है, कह रहे हैं, लेकिन इसको भी अगर फुल फ्लेश्ड अगर लिखना हो इसको, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बीटा सब यूनिट बाइंडिंग डोमेन,
बीटा सब यूनिट बाइंडिंग डबल बॉन्ड। अब ये भी, ये किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। ये भी किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। ये भी किस चीज से बना हुआ है? इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो संबंध होगा वह अमाइनो एसिड से निरूपित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रीन में तीन अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस, ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस इन द एन टर्मिनल डोमेन ऑफ इंटेग्रीन, इंटेग्रीन, ठीक है ना, बाइंड्स टू फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन में ये बाइंड करता है। ठीक है, इंटीग्रीन का एंटीटी में तीन कौन कौन सा है? इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं लोग आर जी डी। यहां पर आर स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन एंड डी स्टैंड फॉर स्पार्टेट। अर्थात आर्जिनिन, ग्लाइसिन और स्पार्टेट, ये तीन हैं जो स्पेसिफिक ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस है, इसी से इसकी पहचान होती है, ठीक है, और यही इसी कारण से ये बाइंड करता है। तो जितने भी प्रोटीन से बाइंड करता है एक खास तरह का सीक्वेंस जो है उसको ये फॉलो करता है, इसका नाम होता है आर जी डी। सो इंटीग्रीन जो है ना, इंटीग्रीन ये टू वे सिग्नलिंग करता है, टू वे सिग्नलिंग मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोसोल एंड साइटोसोल से एक्स्ट्रा सेलुलर। ये अपनी यूनिक यूनिक बात है। ये बाकी आप जीपीसीआर देखेंगे, आरटीके देखेंगे, इन सब में आपको ये नहीं दिखता है, ये इंटीग्रीन्स में दिखता है। इसलिए इंटीग्रीन्स बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हमेशा इसको याद रखिएगा। अब इंटीग्रीन्स इनकोडिंग जीनोम इन ह्यूमन, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं इंटीग्रीन, इंटीग्रीन्स इनकोडिंग, इनकोडिंग जीनोम इन मैमल्स। अब तक रिसर्च फाइंडिंग्स जो है ना, उस रिसर्च फाइंडिंग का एक नतीजा है और वो ये है कि मैमल्स में 18 डिफरेंट जीनोम्स किसके लिए है? अल्फा सब यूनिट के लिए, मतलब 18 तरह के अलग अलग जीनोम्स हैं, और 8 डिफरेंट जीनोम्स किसके लिए है? बीटा सब यूनिट के लिए। तो आप समझें कि कितना वैरायटी है इसका, इंटीग्रीन का। तो इंटीग्रीन बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे इसका वैरायटी है। अब अल्फा और बीटा सब यूनिट में कुछ बेसिक डिफरेंस को थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हर चीज को सीखना चाहिए कि बीटा सब यूनिट जो है, द बीटा सब यूनिट हैज रिच, किस चीज में अमीर है? ये सिस्टाइन रेसिड्यूज देन अल्फा सब यूनिट, मतलब अल्फा सब यूनिट की तुलना में बीटा सब यूनिट में सिस्टाइन रेसिड्यू जो है ऐसा दिखता है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, यही सिस्टाइन रेसिड्यू। इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? बीटा सब यूनिट में, अल्फा सब यूनिट में कम होता है। इसका पर्पस क्या है? इतना सारा सिस्टाइन यूनिट का पर्पस क्या है?
इसका पर्पस है टू मेक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ताकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाया जा सके। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बहुत जरूरी है, इसको ऐसे आपको दिखाता हूं कि ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, जस्ट एक हम सब्जेक्ट दिखा के समझाते हैं आपको। एक बीटा सब्यूनिट है, अब यह किसी दूसरे प्रोटीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है और उस दूसरे प्रोटीन से क्या करता है, बाइंड करता है। यह सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से ये दूसरे प्रोटीन जो होते हैं उसके साथ ये रिलेशनशिप डेवलप करता है, इसलिए इसमें इसका रोल देखा जाता है। साथ ही क्या है इसमें, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन बाइंडिंग विथ सेवरल अदर प्रोटीन्स इन एक्स्ट्रा साइटोसोल ECF, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड में। ये दोनों ही जो है एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड में प्राप्त होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर देखते हैं इन साइटोसोलिक रीजन, अंदर की ओर क्या था, अंदर की ओर इंटीग्रीन जो था वो कई साइटोस्केलेटल प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। हम लोग बोलेंगे integrins interact with several, बहुत सारे, किस चीज से, साइटो स्केलेटल प्रोटीन्स, बहुत सारे साइटो स्केलेटल प्रोटीन साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे टैलिन, विनकुलिन, अल्फा एक्टिन, पैक्सिलिन, ये सभी प्रोटीन के नाम है, ठीक है ना। और ये सभी फिर किससे बाइंड करने मदद करते हैं, एक्टिन साइटोस्केलेटन बाइंडिंग में मदद करते हैं, स्केलेटन बाइंडिंग। आप ऐसे समझें कि कितना कम्युनिकेशन है, अगर आप इसको देखें तो कितना कम्युनिकेशन है, इतनी सारे बातें ये सेल के साथ कर रहा है, सेल के अंदर में इतनी सारी बातें, सेल के बाहर में बातें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटीग्रिन का मतलब क्या रोल है, अभी रोल तो एक हम देखे थे, अब रोल्स, अगर रोल्स में देखें तो शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ द सेल, कोशिकाओं का आकार, ठीक है, मोटिलिटी ऑफ द सेल, मतलब सेल कहां किधर जाएगा, सेल माइग्रेशन में, पोलैरिटी ऑफ द सेल, मतलब सेल डोर्सल होगा कि वेंट्रल होगा कि इंटीरियर होगा कि पोस्टीरियर होगा, और चौथा सेल डिफरेंशिएशन में, इन सब में इसका रोल जो है वो देखा जाता है, खासकर मेनली इन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग इसके काम को बहुत सारा देखते हैं, ठीक है। इससे कुछ पूछना है, चलिए जुड़ जाइए नेक्स्ट क्लास में।